लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय मॉलिक्यूल्स आर्मी, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूँ अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, आपकी एजी मैम, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड फाइनली 12th क्लास, योर एजी मैम इज बैक विद द उमंग सीरीज। एंड व्हाट इज उमंग सीरीज? जिसमें हम पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाते हैं, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस के जेई की पढ़ाई होगी, अच्छे से होगी। हर एक सेशन में सवाल भी करेंगे, उसके बाद वीक क्विज अटेम्प्ट करना, जब भी सेशन खत्म हो जाए आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यू आर ऑन द राइट पाथ, जस्ट स्टिक टू इट एंड कीप फॉलोइंग। हाउ अबाउट इट? हाई प्रोफेसर, हाई शाग्निक, सनी, संध्या, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। आयुष, एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। बोर्ड तक फिनिश? संध्या, बहुत सारे चैप्टर हमारे महेश्वरी सर ने भी, आपके कैप्टन सर ने भी कवर करा दिए। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल आल्सो टेक केयर ऑफ। या सुचिमन इज बैक, बाकी के लोग कहाँ हो तुम लोग? तो एज रिक्वेस्टेड, द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक पर्टिकुलर सेल के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है? हे संध्या, कब ये चांद कब निकलेगा? सिद्धार्थ, किसके लिए व्रत रखे हुए हो तुम? पढ़ाई कर लो, फास्टिंग में कई बार होता ना दिमाग नहीं चलता, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अभी कर लेना, फास्टिंग के टाइम आएंगे, ठीक है? सुचिमन, पॉइंट नोटेड। सूची, आई कॉल यू सूची, ओके? शिव्या, एवरीथिंग इन माई थॉट, व्हाट अ नेम। आयुष, अवतु, निखिल, सोहम, सोहम वील टॉक अबाउट दैट। यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, दैट्स माई इंस्टा हैंडल, अनुभा अंडरस्कोर एजी अंडरस्कोर। तो भूलिएगा नहीं, यू ऑल कैन फॉलो मी ओवर देयर, वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टा पे भी, ओनली इफ यू आर ऑन इंस्टा। साथ में मैं देख रही हूँ कि किधर है, किधर है? डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, थोड़ा यू नो वो सपोर्ट चाहिए मुझे। आपकी एजी मैम का फर्स्ट उमंग सीरीज सेशन है, स्प्रिंट पढ़ाया है आपको, उमंग अभी शुरू कर रहे हैं। शेयर कर दो दोस्तों के साथ, उनको भी बुला लो कि भैया वीडियो शुरू हो गई है, काहे की दिक्कत परेशानी है तुम्हें, आ जाओ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? एंड एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस कैसे करोगे जब सेशन खत्म हो जाएगा? वी क्विज के थ्रू। तो वी क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वी क्विज क्या है? एक तरीके से डेली प्रैक्टिस, ठीक है? तो इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट कर लेना। शुरू करें फिर, क्या बोलते हो? विल यू टीच फुल चैप्टर? यस अनु ने, उमंग सीरीज इज लाइक टीचिंग द फुल चैप्टर बाय टेकिंग द टॉपिक्स इन अ कॉन्टिन्यूटी, सो वी विल डू दैट, ठीक है? शुरू करें, किया जाए। एंड ऑब्वियसली कहाँ से शुरू करेंगे? टॉपिक के नाम से, है ना? टॉपिक के नाम से शुरू करेंगे कि भैया इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस भला का नाम है? व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ऑलराइट देन, लेट्स नो दैट, ओके? लेट्स नो दैट। तो सबसे पहले डिकोड करते हैं इस टर्म को जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर मैं बांट दूं दो पार्ट में, ये बन जाएगा इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, है ना? इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो डेफिनेटली क्या है? इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। और इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे केमिस्ट्री, ऑब्वियसली उसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना, यानी कि इस केमिस्ट्री में बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर क्या चेंज आता है? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। केमिस्ट्री में आप केमिकल एनर्जी के बारे में बात करते हो, तो उनके इंटरचेंज के बारे में डिटेल से पढ़ते हो। दैट टेल्स यू अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? यस,
AR boys like, हमारा तो कमेंट नहीं रीड किया आपने, है ना, पूरी क्लास एक एक सिर्फ इसलिए रखते हैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। आप बोलोगे तो हम एक चैट सेशन अलग से प्लान कर लेंगे, बट जब पढ़ाते हैं तो प्लीज़ ऐसी बातें करते आप लोग शोभा नहीं देते, है ना, लगता ही नहीं पढ़ने आए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो सृष्टि इस बात को हम डिटेल से भी समझते हैं कि जब आप अगर, और चलो एक और तरीके से समझाती हूँ आपको, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना केमिकल रिएक्शन होती है, एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को तोड़ा, ये रिएक्शन ने ये प्रोडक्ट दे दिया, तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इट विल रिलीज सर्टेन सेट ऑफ केमिकल एनर्जी। चलो ठीक है, उसने मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, मान लो जिंक था, जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू कर दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो करने लगे बैटरी की तरफ, ये क्या भेज रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, हम बैटरी में देखेंगे कि दैट इज़ गेटिंग चार्ज, और अगर इसको किसी बल्ब से जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। वो क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कि इसने जो केमिकल एनर्जी पास की उस वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई, ठीक है, वी कैन सी दैट, एंड वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कई रिएक्शन अपने आप नहीं होती, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। याद करो टेंथ क्लास में भी पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोलिसिस, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इन अ वे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, आपके इलेक्ट्रोलाइट टूट गए, दे विल स्टार्ट गेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड गिव यू द न्यू सब्सटेंस ऑन कैथोड एंड एनोड, दैट इज गिविंग यू द केमिकल एनर्जी बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो गया है ना, समझे, अब थोड़ा समझ में आया, अब थोड़ा समझ में आया, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आज हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी सीखेंगे कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बार 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 रिपीट होती रहेगी, तो आप इस टर्म में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा और कहीं भी गड़बड़ी नहीं करिएगा, ठीक है। सबसे पहली टर्म है ऑक्सीडेशन, सबसे पहली टर्म क्या है, ऑक्सीडेशन। सिर्फ 10th 11th की बात करें, पहले हम समझते थे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, बट दैट इज़ एक्चुअली मच मोर देन दैट। अभी के लिए जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन सेट होती है ना, जो काम करती है, दैट इज दिस लियो, ठीक है, लियो या फिर ऑयल, ऑयल या लियो, ऑयल रिग से हम याद करते थे, ऑयल रिग, और एक और तरीका जो था याद करने का वो ये था, लियो गोस टू गर, ठीक है, इसका मतलब क्या था, ऑयल ऑक्सीडेशन इज वॉट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लियो का मतलब ही क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, चलो ठीक है, याद है। अब देखो गेन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑल्सो, सोचो सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन को गेन कर ले तो सोडियम ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सोचो कैसे होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तभी गेन करेगा जब वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी सोडियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए क्लोरीन को और उसके साथ जुड़ गया। तो जब किसी सब्सटेंस अपने को अपने अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना होता है ना, तो वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। एम आई मेकिंग सेंस, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, बता दो। बिल्कुल सही बात, सुचिमन कह रहे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं बच्चा उल्टा बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लो मैं आयन के बारे में बात करती हूँ, वो नेचर में प्लस टू स्टेट में था, ठीक है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए Fe3 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, आयन 2 पॉजिटिव, उसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे थे, 3 पॉजिटिव मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वॉट, ऑक्सीडेशन। तो आप इससे भी पहचान सकते हो जब किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये देखो, अब बताओ जरा, बताओ मुझे, ठीक है सूची, नाउ इट्स क्लियर, अभी देखो, अंडरस्टूड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज बच्चे कम देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है सारे चांद को देखने गए हैं, है ना, ओके ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अपने अंदर से
मान लो दो एटम का कॉम्बिनेशन था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों निकलेगा? ये दूसरा वाला उसको इलेक्ट्रॉन देगा, बोलेगा निकल ले. समझ रहे हो? तो लॉस ऑफ अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. रिडक्शन की बात करते हैं, याद करो ऑयल रिग. यहाँ पे रिग क्या है कि रिडक्शन इज वॉट जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लियो गोज टू गर. वॉट इज गर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तब उसका क्या होता है? रिडक्शन. ठीक है, गेन ऑफ अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने अंदर आना चाहेगा, वही वाली बात है. मान लो मेरे पास ऑक्सीजन था और इधर था मेरे पास मैग्नीशियम. अगर ऑक्सीजन मैग्नीशियम को अपने अंदर ले लेता है तो वो क्या कर रहा है? एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने अंदर जाने दे रहा है. और जब जैसे वो आएगा तो क्या हो जाएगा? ये उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना? और जो इलेक्ट्रॉन ले ले उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन. सही बात है, जो इलेक्ट्रॉन ले ले उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन. सही है कि नहीं है बता दो. अंडरस्टूड? हाँ. तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जनरली मेटल्स आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हो. जब वो लेगा तो ये वाला जो एलिमेंट है उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसका रिडक्शन हो जाता है. लॉस ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही वाली बात है. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकाल दे तो डेफिनेटली उससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको निकाल देगा. लॉस ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो वॉट? रिडक्शन. ठीक है, चलिए अब मैं आपको अब शेड्यूल भी बताऊंगी. नंद डोंट वरी. ठीक है, और बिल्कुल सही बात, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो वॉट? रिडक्शन. अगेन उल्टा कर दो, मान लो Fe3 पॉजिटिव था, उसे बन गया Fe2 पॉजिटिव. कब बना? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? जो वो चार्ज उसके ऊपर है डिक्रीज कर गया, दैट्स ऑल्सो रिडक्शन. ठीक है, आयोन क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अलावा? आयोन वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव. ठीक है आयुष, बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही ये सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, डोंट वरी. ठीक है बच्चा लोग, सब बढ़िया, ये समझ में आ गया? हाँ, मैं साथ में अपना टाइम टेबल भी लिख देती हूँ. मंडे वेंसडे फ्राइडे 11th क्लास, ट्यूसडे थर्सडे 12th क्लास. And I'm also trying to accommodate one more day, but let's see. ठीक है, ये हम देख लेते हैं, accommodate कर लेंगे. Saturday को कुछ special sessions होते हैं आपके, आपको information देने के, motivation देने के, सही राह दिखाने के, जो भी possible है. Class 12th का संपूर्ण देखते हैं भावेश, just give me some time, we'll decide on that too. ठीक है, okay. चलो आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये तो आपको 10th क्लास से ही पता है. थैंक्स ज़ाइनब. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो ऐसा सोल्यूशन है जिसके जो आयोन्स हैं वो कंडक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं अपने में से, है ना? इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली व्हाट? अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स आयोन. ठीक है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दो, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो आयोन्स में डिसोसिएट हो जाएगा. और जब वो आयोन्स में डिसोसिएट हो जाता है, दैट एक्ट एज एन आयनिक कंडक्टर, कि वो आयोन्स मूव करेगी कैथोड और एनोड पे, है ना? एंड दैट विल ब्रिंग अ केमिकल चेंज. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और वो मेटल्स में होता है. मेटल्स आर ऑल्सो कंडक्टर, राइट? तो दो तरीके के कंडक्टर हो गए, मेटालिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर. आयनिक कंडक्टर में आयोन्स का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है. मेटालिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. ठीक है, ऑल राइट. इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वो सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. इलेक्ट्रोड आर नथिंग बट काइंड ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें. एक पे रिडक्शन हो जाएगा, एक पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, एक अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, जो भी उसके ऊपर आएगा. ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज एज इलेक्ट्रोलाइट. यस सूची, ग्रेफाइट वी ऑल्सो से कार्बन रॉड, दैट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वी आई मीन दैट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड वी यूज अ लॉट,
क्योंकि जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस. सो वी कैन यूज़ इट, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ कंडक्टर. चलो इस सवाल का जवाब दो जल्दी से. क्लास टेंथ में हूँ, मुझे सब समझ आ रहे हैं. अरे बढ़िया दिव्यांशी, चलो इस सवाल का जवाब दो मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन रिएक्शन. कम ऑन, पानी पी लेते हैं हम थोड़ा. जल्दी बताओ सही जवाब क्या होगा. हाय व्लॉग, कौन सा व्लॉग बनाया अभी. ले इतना टाइम लगेगा. हाँ जी के क्वेश्चन, जी चैनल के क्वेश्चन, जी चैनल के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं महिनंद. चलो देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं. SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हुआ है, FeCl3 FeCl2 में कन्वर्ट हुआ है. यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इसके ऊपर चार्ज, ठीक है. यहाँ पे कितना हो गया +4, क्योंकि चार क्लोरीन से जुड़ा है, एक के ऊपर -1, चार के ऊपर -4. अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन. इस पे +3, ये बन गया +2. ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है रिडक्शन. देखो ये वाली स्टेटमेंट कहा है कि SnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस वाले में और इस वाले में, मतलब इन दोनों को पहले ही डिलीट कर दो, है ना. क्या यूज कर रहे हैं, स्मार्टनेस. अब देखो साथ में क्या लिखा हुआ है, FeCl3 रिड्यूसिंग एजेंट है, FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर इसका ऑक्सीडेशन होना है तो मुझे किसकी ज़रूरत है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. तो ये किसका काम कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करने का, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, दैट इज वॉट इट इज. तो डेफिनेटली द राइट आंसर इज डी, FeCl3 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. सही है, टाइम लगा बट आंसर निकाल लिए तुम, है ना. टाइम लगा बट आंसर निकाल लिए. साक्षी रिवाइज करो, मेहनत करो, लिख लिख के चीज़ों की प्रैक्टिस करो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट. और राइट देन आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जानते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दैट डील्स विद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप थोड़ा सा टेंथ में भी पढ़ के आए हो, जिसमें एक ही कंटेनर में पूरा सेटअप होता है, एंड यू विल बी एबल टू सी द चेंज. और वो चेंज क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है. सो आई कैन से हियर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं उसको, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. याद करो वाटर का ब्रेकडाउन किए थे आप 10th क्लास में, जब आप मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मेटल्स नॉन मेटल्स, तो आपने देखा था हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर थे सोडियम क्लोराइड जैसे, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे. वहाँ क्या करते थे, तुमने कैथोड एनोड लिया, बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जब जोड़ते हो इलेक्ट्रोलाइट लेते हो साथ में, विच इज़ NaCl मोल्टन फॉर्म में. सोडियम आयन मूव करते हैं, क्लोराइड आयन मूव करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे. कैथोड पे मेटल मिल जाती थी, एनोड पे नॉन मेटल मिल जाती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, अपने आप नहीं हुई, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, दैट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. व्हाई अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि वो अपने आप नहीं हो सकती थी. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जिसमें मुझे बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स उसको ना देनी पड़े, टू यू नो पास इट इनटू द राइट एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन उस रिएक्शन को. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl अपने आप तो तोड़ के सोडियम और क्लोरीन नहीं दे रहा था, आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इट, जब जाके रिएक्शन हुई, यानी कि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लेनी पड़ी बाहर से, है ना, समझे. यस दैट्स प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी लेनी पड़ी, ठीक है. जो फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव है, मतलब लेनी पड़ी उसको एनर्जी, निकाली नहीं उसने. लेकिन अगर मैं बात करूँ गैल्वेनिक सेल की, जिसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं, वो उल्टा काम करता है. वो काम क्या करता है, केमिकल चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि वो रिएक्शन अपने आप हो रही थी, रिएक्शन हो गई,
सही डायरेक्शन में, रिएक्शन को कोई फोर्स नहीं देनी पड़ी, कोई ड्राइविंग फोर्स, रिएक्शन ने प्रोडक्ट बना दिए, उससे इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हुई, अपने आप हो रही है। यानी कि जब अपने आप होती है तो वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है कि भाई मुझे पता है मेरा रास्ता कहाँ है, मैं वहाँ पहुँचूंगा, पहुँचूंगी और स्टेबल हो जाऊँगा। यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, और इस टाइम पे डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसने एनर्जी रिलीज की। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ ग्राफ से तो ऐसे, यहाँ पे मेरे रिएक्टेंट थे, ये थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, जैसे ही मिली उसने प्रोडक्ट बना लिए, और ये जो इतनी आप देख रहे हो ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे गिल्ट फ्री एनर्जी नेगेटिव, रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, राइट? Zainab is asking why graphite is inert electrode, because graphite is nothing but carbon, ठीक है, और graphite के form में वो जल्दी से किसी से react नहीं करता, it has a very high melting point around 3700 degree Celsius as I say, है ना? Yes, बढ़िया, ये basic बात समझ आई। galvanic cell, voltaic cell में हमें एक अपैरेटस से काम नहीं चलता, हमें दो इलेक्ट्रॉन, आई मीन दो टैंक लेने पड़ते हैं, दो हाफ सेल लेने पड़ते हैं, इनको हाफ सेल बोला जाता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, बट इसको डिटेल से बता देती हूँ। ठीक है, सुजान इज आस्किंग 11th की क्लास क्यों नहीं लेते? एक तो बच्चे ना लेट आते हैं और वही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं दे चुकी होती हूँ। हाँ, 3 दिन क्लास लेती हूँ मैं 11th की हफ्ते में। चलो, इसमें कोई डाउट? ये बेसिक बात आपको समझ में आई कि अगर मैं गैल्वनिक सेल की बात करूं तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल रिएक्शन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, हम देख भी पाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल्टा जी नेगेटिव लेस देन जीरो, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन हुई, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो, हाय जयजी, हाय मल्लेश, चलो बेसिक्स क्लियर हो गए। डैनियल सेल को डिटेल से पढ़े, क्या बोलते स्टूडेंट्स, डिटेल से पढ़े बता दो। सुजान, क्लास सारी मेरी क्लास एकेडमिक वाली 8 बजे होती है, ठीक है, यस। चलो फिर डिटेल से इस प्रोसेस को समझते हैं, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, गैल्वनिक सेल को, और जो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है उसको समझने का, वो है जिंक और कॉपर का। ठीक है, जिंक और कॉपर का, यस। अब एक बात बताओ, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो तो जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है, हाँ कि नहीं? जब आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मैं पढ़ाऊंगी वैसे, जिंक पहले आता है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर बाद में आता है, यस। जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होती है? जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती है। जैसे ही डाउन द सीरीज जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकालने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। तो जिंक और कॉपर में किसी को इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कौन निकालेगा, जल्दी बताओ? जिंक और कॉपर में किसी को इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कौन निकालेगा, बताओ बताओ? साक्षी ने आंसर दे दिया, रत्नेश बताओ, बढ़िया, बिल्कुल सही सोची, जिंक निकालेगा। यानी कि इन दोनों में इसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कंपैरेटिवली ज्यादा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। फिर ये नीचे आएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि भाई तू जिंक मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं उन इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर लूंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने दो हाफ सेल ली, हाफ सेल मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन का हाफ सेल, मतलब एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन, मैंने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। होता कैसे है, इंडिविजुअली हम सेट करते हैं, आप उसी का मेटल का इलेक्ट्रोड लोगे और उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। तो एक कंटेनर में मैंने जिंक ले लिया और उसका इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट ले लिया, एक कंटेनर में कॉपर ले लिया एज एन इलेक्ट्रोड, उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया कॉपर सल्फेट। इसको हम जोड़ते हैं बल्ब से,
ताकि हम दिखा सकें द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज होगा और बल्ब जल जाएगा. केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खुद को कन्वर्ट कर लिया, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे दिख रही है. बीच में हम लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज, सबका काम मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती हूँ, ठीक है. बीच में लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, सबका काम मैं आपको जल्दी जल्दी से बताती हूँ, ठीक है. ओवरऑल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, थोड़ी देर पहले बताया. जिंक क्या करेगा जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, जिंक के पास ऑप्शन था, उसने क्या चूज किया, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है. उसने इलेक्ट्रॉन निकाले, समझे स्टूडेंट्स. इस वाले कंटेनर में क्या हुआ, जिंक जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में पड़ा था, उसके पास केपेबिलिटी थी कि वो जिंक आयन को निकाल के इलेक्ट्रॉन फ्री कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब ये ट्रैवल करेंगे इस वायर के थ्रू बल्ब में, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन पास भी कर सकते हैं, बल्ब जलेगा भी, पर ये कंटेनर, यू नो, बैटरी जुड़ी हुई है. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जा रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. कॉपर सल्फेट कॉपर आयन्स को फ्री करेगा. कॉपर आयन का काम क्या है, ये तो आप 10th में भी पढ़े हो. ये इधर जाएगा, क्यों, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कॉपर आयन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर मेटल यानी कि यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू कर दिया. इस वाले इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होनी शुरू हो गई. ये धीरे धीरे श्रिंक होती जाती है जिंक की मेटल, ये वाली जो कॉपर का जो ब्लॉक है वो और थिक होता चला जाता है अनटिल द रिएक्शन स्टॉप्स, है ना. क्या मैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकती हूँ, जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, बोल सकती हूँ, यस, सही है ना नीलेश, हाय, सही है ना, ओवरऑल रिएक्शन समझे. अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि इसको ऐसे कैसे लिखा, एक्वस कॉपर सल्फर, सल्फर बोल रही हूँ, सॉलिड, ठीक है, कैसे लिखा. चलो ठीक है, अब हम देखते हैं बारी बारी से इंडिविजुअल हाफ सेल के बारे में पढ़ना, जो आप लोग बोल भी रहे थे मुझसे कि मैमी हाफ सेल क्या होता है, साक्षी बताएंगे, फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है. तो रेडॉक्स कपल या हाफ सेल क्या होता है, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं. हाफ रिएक्शंस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन डिफरेंट सेल रिस्पेक्टिवली, दीज टू पोर्शन ऑफ द सेल आर कॉल्ड एज हाफ सेल और रेडॉक्स कपल. रेडॉक्स तब पूरा होता है जब ये दोनों कपल आपस में मिलते हैं, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि आधा पार्ट हो रहा है रिएक्शन का, दोनों मिलके पूरा कपल बनाएंगे. एंड ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल. और हमेशा याद रखना, इस ऑर्डर को मैं बदल नहीं सकती. क्या बोला मैंने, इस ऑर्डर को मैं बदल नहीं सकती. इस बात का मतलब क्या है कि हमेशा लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, राइट में रिडक्शन होगा. ये लिखने का तरीका है, ये हमने सेट कर दिया ताकि हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सके. इसको याद करने का तरीका है, क्या तुमने कभी किसी से लोन लिया है, लेना भी मत, बड़ी खराब चीज़ है. नॉट लाइक आई हैव टेकन इट और सो, बट जस्ट टू टेल यू, बच्चे हो, अच्छी शिक्षा देना मेरा धर्म है बींग योर टीचर. तो लोन की फुल फॉर्म क्या है, एल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा सॉरी, लगता है मैं ही अपने ख्यालों में गुम हो गई हूँ, है ना. फिर से बताती हूँ, लोन का फुल फॉर्म है एल फॉर लेफ्ट. लेफ्ट पे क्या होता है, ओ ऑक्सीडेशन, ए क्या है, एनोड, एन क्या है, नेगेटिव, ठीक है. यानी कि इससे क्या समझ में आया लोन से, कि लेफ्ट में होता है क्या, ऑक्सीडेशन, किस पे होता है, एनोड पे, एन का मतलब नेगेटिव. ये जो प्रोसेस है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग है, ये जो प्रोसेस है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग है, जो आप 10th में पढ़ के आए थे. ये जो एनोड है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, ओए ओए.
मेन रीज़न, कई बार आप बच्चे ना साइन कन्वेंशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एनोड नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, फिर वो ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं कि मैम पढ़े थे टेंथ में हम पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड था पॉजिटिव कैथोड था नेगेटिव। आप लोगों ने याद करने का तरीका भी बताया था, एनोड अट्रैक्ट एनायन जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड अट्रैक्ट कैटायन, कैथोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो कैथोड नेगेटिव। पर यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ पे एनोड है नेगेटिव और कैथोड है पॉजिटिव। तो क्या बस ऐसे याद कर ले हम दिमाग में कि नहीं भैया कैथोड इसमें उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इसमें नेगेटिव हो जाएगा? ऐसे नहीं याद करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं याद करना है, देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। आप क्या करोगे, इस दिमाग में ये बात बैठा लो, प्रोसेस सेम होती है, साइन कन्वेंशंस पे ध्यान मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो अगर वहाँ पे भी याद करोगे, कैथोड पे आपके मेटल आयन आ रहे थे, उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे और मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा था, एनोड पे आपकी नॉन मेटल जा रही थी अपने इलेक्ट्रॉन को गवा रही थी, लूज कर रही थी, आपके नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था। तो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी सेम था, प्रोसेस इधर गैल्वेनिक सेल में, डैनियल सेल में भी सेम रहेगा, साइन कन्वेंशन बदले हैं। तो आप याद ही ऐसे करो ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ओए ओए, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, सीआर, मैं क्लास का सीआर हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है, ऐसे याद करना है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे अलग क्यों हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कारण है कि जब ये जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पे कोई मैंने बाहर से चार्ज नहीं लगाया, मैंने बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, कुछ नहीं। तो जब जिंक जिंक आयन बन के यहाँ चला जाता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जिनको वो भेजता है। तो बिकॉज ऑफ दोज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दैट्स देयर दैट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम हियर, दैट्स व्हाई एनोड बिकेम नेगेटिव। अपने आप ये चार्ज उसने लिया है यहाँ से। और कैथोड पे पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली एक मेटल थी, इस पे कॉपर आयन जाने शुरू हो गए तो डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो वेट कर रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप ऐसे नहीं याद करोगे, इस पे नेगेटिव उस पे पॉजिटिव इसमें उल्टा हो गया, यू विल गो फॉर द लॉजिक। यस बता दो, यू विल गो फॉर द लॉजिक? यस माई स्टूडेंट्स। अरे एक एक नैप ले लेती हूँ मैं जब तक आप आंसर करते हो। क्या बोलते, प्रॉमिस? सुजान 11th की क्लास होती है बेटा मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। चलो तो आई थिंक वही पोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो पोलैरिटी साइन कन्वेंशंस कैसे आए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव, यहाँ पे कॉपर आयन जा रहे हैं इस वजह से वो पॉजिटिव, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पोलैरिटी समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं कि एनोड पे क्या थी, मेरी जिंक स्ट्रिप थी, कैथोड पे मेरी क्या थी, कॉपर की स्ट्रिप थी। प्रोसेस को समझ लें थोड़ा ध्यान से, और मैं क्या आपको बता दूँ ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, क्योंकि कई बार इससे भी सवाल आता है सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है। हाँ आयुष, एक ही है, ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इस पूरे गैल्वेनिक सेल का पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा था उसकी, केमिकल चेंज हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये काम था इसका। जिंक श्रिंक होती जा रही थी, कॉपर बड़ा होता जा रहा था। सोचो ये प्रोसेस खत्म हो जाए अपने आप ही, रुक जाए। और ऐसा क्यों, मान लो मैं सॉल्ट ब्रिज यूज ना करूं, पहले छोड़ देते हैं सॉल्ट ब्रिज को, नॉर्मली समझते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था बैटरी से, मैंने बैटरी नहीं बल्ब से, खाली बल्ब से जोड़ा हुआ था। तो होता क्या, यहाँ पे ये सोल्यूशन के अंदर जिंक आयन देना शुरू कर देता और इलेक्ट्रॉन भी पड़े होते, है ना। तो क्या होता, धीरे धीरे ये जिंक आयन के फॉर्म में इस सोल्यूशन के अंदर अकोमोडेट होनी शुरू हो जाती, अक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती, है ना। Now the solution is having a huge amount of positive ion charge. अब इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं चाहेगा, because now it's stuck. It wants to go to the next part, ताकि वो रिडक्शन में हेल्प कर सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सके।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम हो गई, वो मूव ही नहीं करेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर आयन जाने जब शुरू करेंगे, सल्फेट आयन यहाँ बच जाएंगे, बहुत सारे सल्फेट आयन, यानी कि इस पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज पड़े हैं. क्यों? कॉपर आयन वॉन्टेड टू मूव, चलो ठीक है मूव करने शुरू कर गए, सल्फेट आयन पूरे सोल्यूशन के अंदर. अब सोचो 10 कॉपर आयन 10 सल्फेट आयन, 10 में से 8 कॉपर आयन चले गए, सोल्यूशन के अंदर क्या बचा? सिर्फ 2 कॉपर आयन लेकिन 10 सल्फेट आयन. पूरे सोल्यूशन में काफ़ी सारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज से भर जाएगा. इसकी वजह से क्या हो जाए होता है, ये डेवलप कर लेते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. ठीक है, दो लिक्विड विच हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयोन्स. अगर ये सॉल्ट ब्रिज खाली होता मान लो, और मैंने बस इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कि रिएक्शन हो सके सिर्फ एक खाली ट्यूब दोनों में छोड़ दी होती, तो ये आयोन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता. ठीक है, सल्फेट आयन बहुत सारे हो गए, ये मूव करना शुरू कर देते, जिंक आयन बहुत सारे हो गए, ये मूव करना शुरू कर देते, एंड दे विल डेवलप अ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब अ काइंड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस दोनों साइड, जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता. ठीक है, यहाँ पे आयोन की मोबिलिटी, जिन भी आयोन की मोबिलिटी ज़्यादा होती, वो दोनों साइड लिक्विड से मूव करने लगते, एंड दे विल डेवलप अ सर्टेन सेट ऑफ पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन होती ही नहीं, बल्ब जलता ही नहीं. ये रिएक्शन ही नहीं होती, बल्ब जलता ही नहीं. ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज कैसे उसको रोक रहा है? पॉइंट ये आता है ना मैम, सॉल्ट ब्रिज ने ऐसा क्या काम कर दिया? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यू शेप की ट्यूब होती है, उल्टा यू, खाली होती है, हॉलो होती है, ग्लास की बनी होती है. इसको लेके हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और उसका सोल्यूशन लेके, बस वो सेट हो जाए, इसके लिए हम उसके अंदर अगर अगर या फिर जिलेटिन डाल देते हैं. हमारा काम क्या है, हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो खुद इनर्ट मतलब खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट आयोन्स दे सकता है. ये अगर अगर जेलेटिन क्यों लिया, ये काम करेगा उन आयोन्स को होल्ड करने की. ठीक है, आप मिक्स करते हो उसके साथ, सॉल्ट ब्रिज में डाल देते हो, वो एक सर्टेन सेट ऑफ बाउंड्री बना देता है. उनका काम क्या है, उनका काम ये है, बहुत ही बढ़िया काम है उनका. मान लो इसमें के पॉजिटिव आयन, सी एल नेगेटिव आयन, जेलेटिन ने या अगर अगर ने होल्ड किया हुआ था कि वो ऐसे गिर ना जाए इनके अंदर. ठीक है, अननेसेसरी सेट ही नहीं होगा सॉल्ट ब्रिज फिर तो. तो अब जैसे ही जिंक इधर जिंक आयन देने लगता है, आपको पता है यहाँ हो क्या रहा था, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे. जिंक आयन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी बताया था. तो ये क्या करेगा, इसका काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना दोनों तरफ, चार्ज को एक्यूमुलेट ना होने देना. तो जब जिंक आयन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे ना, तो ये ऑपोजिट आयन इधर आने लगते हैं ताकि वो चार्ज बैलेंस रहे, रिएक्शन चलती रहे, अभी भी इलेक्ट्रॉन को भेजता रहे दूसरी तरफ. सेम वे जब इधर कॉपर आयन मूव करेंगे, तो इधर सल्फेट आयन काफ़ी सारे बच जाएंगे, नेगेटिव चार्ज काफ़ी सारा बच जाएगा, तो वही लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना हो, क्रिएट प्रिवेंट रहे, ताकि ये रिएक्शन चलती रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ गए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आने लगते हैं, उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए. That's the work of your salt bridge. That's the work of your salt bridge. ठीक है, साक्षी वो जाने नहीं देगा ना, आयोन्स की मूवमेंट शुरू हो गई. ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पे अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो रिएक्शन इधर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? या नाइस वर्क मैम, आई एम फ्रॉम USA, आई वॉच ऑल योर लेक्चर्स. ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू. तो ये वाली बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई? जस्ट लेट मी नो. हाँ ठीक है, सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एंड मेंटेन्स फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, जैसा अभी समझाया, करंट चलता रहेगा, बल्ब ग्लो करेगा. बढ़िया, तो चलो फिर इस सवाल का जवाब दो. Which of the following is a function of salt bridge?
आयुष इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है ना, स्पॉन्टेनियस सेल है, अपने आप हो रहा है, तो बढ़िया बात है। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी चाहिए होती है, मान लो प्रोड्यूस करनी हो, तो हम गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं। अनीश क्या हो गया बच्चा, बताओ सवाल का आंसर दो। अरे वाह जैनिश, एवरीवन यू ऑल गेव मी द राइट आंसर। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे पोटेंशियल जो है क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो रुक जाता है, उससे वो नहीं होने देता, ठीक है। इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, बिल्कुल इससे सर्किट पूरा होता है, तभी रिएक्शन होगी, तभी बल्ब जलेगा। और ये वाली बात मैंने आपको पहले बता दी है कि आप एक गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखोगे, इस पूरे के पूरे रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, इस पे सवाल आता है, इम्पॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। तो जैसा मैंने बताया, एनोड लेफ्ट पे, कैथोड राइट पे, ठीक है। लोन से याद किया था ना, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे होता है और नेगेटिव चार्ज होता है उस पे। राइट पे सी आर, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और वहां पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। सी पी आर से याद कर सकते हैं, जब किसी के साथ किसी को कोई सडन अटैक आ जाए या कोई बेहोश हो जाए, उसकी नर्व्स नहीं चल रही हो, तो सी पी आर देते हैं उसको। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, रिडक्शन होगा, ठीक है। हमेशा लेफ्ट पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था, कॉपर था, कॉपर किस पे कन्वर्ट हुआ था, कॉपर आयन में, ठीक है। कॉपर आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, आयन्स को हमेशा एक्वस में लिखोगे, ये हो जाता है सॉलिड, तो इसके नीचे सॉलिड, ये क्या है, एक्वस। फिर इस रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से, दूसरे हाफ सेल से कौन सेपरेट कर रहा था, सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों के चेंज को दिखाने के लिए एक सिंगल लाइन बना देते हैं, ठीक है, कि कॉपर कॉपर आयन में बदला ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन, कि इससे ये बन गया। अब लगाते हैं दो लाइन ऐसे, ये क्या दिखाती है आपके सॉल्ट ब्रिज को, कि भाई इधर ये सॉल्ट ब्रिज था। फिर इधर क्या होता है, आपके सॉल्यूशन, सॉरी जिंक था, वो मैंने कॉपर लिख दिया, रियली सॉरी, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं। जिंक था, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर वो जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन पड़े थे, दे गो टू द कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हुआ था, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन थे एक्वस, उनके साथ क्या हुआ, वो कॉपर में कन्वर्ट हुए। कॉपर क्या है, मेटल, सॉलिड, ऐसे दिखाते हो, ठीक है। और आप ये जो आयन्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन को भी डिनोट करके यहाँ लिख सकते हो, जैसे मान लो 0.01 मोलर, 0.1 मोलर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आयन्स की तो कंसेंट्रेशन होगी ना, क्योंकि याद करो, ये जब मैंने स्प्रिंट सीरीज कराया, तब भी बताया था कि जब मेटल को लेते हो उसकी कंसेंट्रेशन प्लेंटी अमाउंट में काफ़ी होती है, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, फिर अवॉइड कर देते हैं लिखना, है ना। कंसेंट्रेशन प्रेशर वगैरह भी हम यहाँ लिख सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर, ओके। इज इट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन सुचिमन, यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ, इफ यू विल डू इट लाइक दिस वे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, इस टर्म में आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते थे, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है, बट ऐसे रेडॉक्स की टर्म में ज़्यादा मानोगे उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो जिंक आयन मूव तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आई मीन इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, जो जिंक आयन नहीं बना के दिए थे, बट व्हाट यू हैव टू से इज दैट जनरली वी सी इन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट, चलो, नहीं लिखने से चलेगा, नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे डिनोट करते हैं, ये वाली बात मैंने अभी बताई, ये सॉल्ट ब्रिज को बताते हैं, यहाँ पे ये उनकी हम क्या भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन, वन मोलर है, 0.1 मोलर है और एक्सेट्रा, ठीक है, डन है। तो चलो इसका आंसर करो, क्या आपको गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आंसर करो इसको।
चलो आंसर करो, इतना टाइम लगेगा। हाफ सेल दिखाई हुई है दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। थैंक्स नो बी, थैंक यू। बी है, साक्षी ने बोला बी है, आयुष ने बोला बी है। ऑक्सीडेशन को लिखते हो लेफ्ट साइड में, रिडक्शन को लिखते हो राइट साइड में। चेंज क्या हुआ, कॉपर से कॉपर आयन, ठीक है। अरे बी कैसे हुआ फिर, क्या करते हो, लोन भूल गए, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन लिखना होता है, तो कॉपर से कॉपर आयन का चेंज लिखोगे, और कॉपर मेटल होता है, कॉपर आयन सॉल्यूशन में गए, एक्वस लिखोगे। राइट साइड में क्या हुआ, एजी पॉजिटिव से एजी बना, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, एजी पॉजिटिव से एजी का चेंज। क्या करते हो भाई, सिली मिस्टेक अवॉइड करो थोड़ी। ओके ठीक है, सोची लाइक हाँ मैम समझ में आ गया। तो अभी काम क्या है, आप ये होमवर्क का सवाल का जवाब दो। कोई बात नहीं साक्षी, हैपेंस, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये। फिर से मैं क्यों दे रही हूँ, पहले आप लोगों ने मिस्टेक कर दी, एक्सपेक्टेड था, इस बार मिस्टेक मत करना, सोच के सही से जवाब देना, ठीक है। करोगे तो सोच के ढंग से कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे के बताना कि आंसर क्या था, सही था कि नहीं, और मुझे ये भी बताना सेशन कैसा लगा। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, टू लेट एवरीवन नो दैट दिस चैनल इज़ नॉट ओनली मैथ, बट यहाँ पे पूरा जेई रिस्पेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब होता है, ठीक है। यस, और कोई भी सजेशन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो हम फॉलो करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मैंने आप सब लोगों का रिस्पॉन्स देखा फ्रॉम दैट वीडियो कि आई एम अ नाइट आउल, हाउ कैन आई वेक अप अर्ली, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं चैप्टर के, ये बता दो। उस पर बहुत सारे बच्चों के लाइक्स भी आए, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीक मैं इस पर वीडियो ज़रूर लेने वाली हूँ। सो कीप सजेस्टिंग, और उसके बेस पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट सेशन, अगला सेशन और बड़ा करेंगे, आराम से और टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट तब तक के लिए माई स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हास्ता ला विस्ता।